अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल कॉर्नर में खुश आमदी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा स्टाइल ये दिल मेरा तो नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो बताऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है फारूक जमान कह रहा होता है, ये लड़का हमारी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ मकार और चालाक निकला है। इसकी मासूम शक्ल से धोखा खा गए हम। इसने हमसे एक नहीं कई झूठ बोले हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ऐमान ऐना को कहता है वैसे लाख छुपाने और लुटाने की कोशिश करती जाए, लेकिन मरने वाले और मारने वाला कभी नहीं छुपते। तुमने अपने बाप के बेगुनाही के सबूत चाहिए ना, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मीर फारूक का आदमी उसको आकर कहता है कि साहब बेबी का नंबर बंद है। तो मीर फारूक कहता है क्या, तो उसका नौकर कहता है कि नंबर बंद है साहिब। तो मीर फारूक फौरन से अपना सेल उठाता है और कहता है कि नंबर कैसे बंद जा सकता है। और दूसरी तरफ ऐना और अमान पैकिंग कर रहे होते हैं, तो ऐना कहती है कि ये ढूंढ रहे थे ना, रख लो मेरा फ़ोन, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से दे रही हूँ, इसलिए तुम्हें अब ये जहमत करने की ज़रूरत है नहीं। कल रात को मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था, तुम्हें मेरा फ़ोन रखना है रखो, इसे छुपा के रखना है छुपा के रख सकते हो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं किसी से कोई रابطہ ना रखूं। मैं खुद भी किसी से कोई رابطہ नहीं रखना चाहती, जब तक अपने बाप की बेगुनाही के सबूत तुम्हारे मुंह पे लाकर नहीं मार देती। तो व्यूअर्स, ये था नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो। आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट इस ड्रामे में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है? व्यूअर्स, हो सकता है कि नेक्स्ट यही दिखाया जाए कि इसकी बी जान ही इसको सारी हकीकत बताएं कि अमान झूठ नहीं बल्कि सच कह रहा है, और ऐना अपने पुराने घर जाकर जब सारी तस्वीर और सब कुछ देखेगी तो उसे याद आ जाएगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।